सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जिन्होंने पहला वीडियो इंग्लिश ग्रामर का नहीं देखा मेरा, पहले वो देखो फिर यहाँ पे आना, नहीं तो सब ऊपर से पार होगा। या फिर अगर तुम लोगों को पता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के बारे में सब कुछ, तो ये वीडियो आराम से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट या फिर वाइस वर्सा कन्वर्जन कैसे होता है ये सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, उस पर क्लिक करना और वो है आपका नोट्स। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच यानी कि हम लोग एज इट इज आगे वाले के बात को बोल रहे हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच यानी कि आगे वाले के बात को अपने भाषा में बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे सेड कॉमा और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर वी आर गोइंग टू सिनेमा, ये वाला जो लाइन है ये वो लोग बोल रहे हैं। अगर इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये कुछ ऐसा होगा, उन्होंने कहा कि हम सिनेमा जा रहे हैं, उन्होंने कहा हम सिनेमा जा रहे हैं, ये वो लोग बोल रहे हैं। कुछ लोग हैं, अगर इसका डायग्राम बनाएं तो कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को बोला, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं मेरे जो बोले कि सर वी आर गोइंग टू सिनेमा। अभी मेरे से पूछा गया वेयर आर ऑल योर स्टूडेंट्स, तो आई विल से ईदर दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम सिनेमा जा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम ऑल्सो गोइंग, नहीं, इसका ये मतलब है कि वो लोग सिनेमा जा रहे हैं। ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच, यानी कि जिस तरह से उन्होंने बोला था एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अब अगला जो मेथड है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। मेरे से पूछा गया कि तुम्हारे स्टूडेंट कहाँ हैं, आई सेड दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा, ये अपने भाषा में बोला गया, उन्होंने कहा कि वो सिनेमा जा रहे हैं, ठीक। पिछले लाइन जो डायरेक्ट स्पीच था उसमें क्या था, उन्होंने कहा कि हम सिनेमा जा रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो लोग सिनेमा जा रहे हैं। आई होप हिंदी में जब कन्वर्ट करें मतलब समझ में आ रहा है। अभी जब कन्वर्जन होता है ना तो दो चार चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहला, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा। कभी भी अगर इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ है मतलब वो डायरेक्ट स्पीच में, आई रिपीट कभी भी अगर इन्वर्टेड कॉमास दिया हुआ तो वो किस स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में, ओके। और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाएगा तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, जैसे कि कुछ प्रोनाउंस, वी बदल गया दे में, एक नया वर्ड का ऐड हुआ दैट, आर बदल गया वर में, यानी कि टेंस भी बदलता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ इससे रिलेटेड रूल्स है जो हम लोग को पढ़ना है, ओके। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच देखें तो हम लोग समझ गए भैया जो स्पीकर है, जो इंसान बोल रहा है, उसका एग्जैक्ट वर्ड को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, और उसके वर्ड्स को किस में डाला गया, कोट्स में, इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है, ओके। पहला लेटर जो कोटेशन के अंदर है वो भी कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, ओके। अच्छा, सेड के बाद एक कॉमा होना अनिवार्य है, सेड के बाद डायरेक्ट स्पीच में एक कॉमा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में सेड के बाद कॉमा नहीं होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। क्या क्या, पहला भैया डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में आगे वाला का डायलॉग लिखा जाएगा। भैया दूसरा बात कि सेड के बाद डायरेक्ट स्पीच में एक कॉमा होता है, जबकि अगर हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो एक नया वर्ड ऐड हो जाता है और कॉमा को हटा दिया जाता है, क्या वो वर्ड है दैट, आई सेड दैट आई एम वेरी बिजी, ही सेड दैट ही इज वेरी बिजी, ठीक है। तो जब हम लोग इनडायरेक्ट में लिखते हैं तब दैट का इस्तेमाल करना है, और जब डायरेक्ट में लिखेंगे तो कोटेशन मार्क एंड कॉमा का, ओके। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कभी भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी ये गलती मत करना कि इनडायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क को दे दे, ओके। अच्छा, अभी बात करते हैं प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है भैया, जो किसी नाउन के बदले में यूज हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से रवि इज अ गुड बॉय, सो इंस्टेड ऑफ दैट,
इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड रवि आई विल से ही इज अ गुड बॉय. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. प्रोनाउन क्या होता है भैया? ही, शी, जितना भी, इट, जितना भी हम लोग नाउन के जगह कभी किसी वर्ड का इस्तेमाल करें, दैट इज प्रोनाउन. तो याद रखना कि प्रोनाउन बदलता है. फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बात स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहते हैं. कभी भी अगर ही है या फिर शी है या फिर इट है, उसके साथ हमेशा जो भी उसके बाद होगा उसमें सेज, से कभी नहीं होगा, सेज होगा. टेल कभी नहीं होगा, टेल्स होगा. मतलब जो भी इसके बाद होता है उसमें एक एस लगता है. जो भी इसके बाद का रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें क्या लगता है? एस. ये जो सेड, टेल, ये सब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था. ओके, अब ही सेज टू मी आई एम टायर्ड. भैया ये तो कोटेशन में है. अगर ये कोटेशन में है तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच. अभी जब हम लोग इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो ही टेल्स मी. ठीक है, जब भी सेज है, अगर ऊपर में सेड नहीं बात हो रहा है, यहां पे सेड का बात नहीं हो रहा है, सेज, ही सेज टू मी, वो किस में बदल गया? ही टेल्स मी. टेल्स के जगह कुछ और भी चीज लगा सकते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे, लेकिन सेज यूज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में. ये जो वर्ड है सेज, इसको यूज करना अवॉइड करेंगे, थोड़ा प्रोफेशनल नहीं लगता है. ओके, सो ही टेल्स मी, कॉमा हट गया, उसके जगह आ गया दैट. अच्छा भैया यहाँ पे तो लिखा है आई एम टायर्ड, तो ये आई ही में क्यों बदला? यही तो गेम है. अरे तुम लोग हिंदी में इसको कन्वर्ट करो, पहले डायरेक्टली बोलो. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग को हम भेजें कि यार उसको बुला के लाओ. यू वेंट और तुमने कहा कि भैया बुला रहे हैं, तो आगे वाला पार्टी बोलता है आई एम टायर्ड. तुम खाली हाथ आ गए, उसको लेकर नहीं आए. आई आस्क्ड कि क्यों नहीं लाए उसे. तो तुम दो चीज में से एक चीज बोल सकते हो. पहला, डायरेक्ट जब बोलोगे तो क्या बोलोगे? भैया ही सेज टू मी आई एम टायर्ड, यानी कि वो मेरे को बोल रहा है कि वो मेरे को बोल रहा है हम टायर्ड हैं. मेरा बात को ध्यान से सुनो. पहला जो डायरेक्ट स्पीच है उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो ये होगा, वो मेरे को बोलता है, वो मेरे को बोल रहा है हम टायर्ड हैं, हम थके हुए हैं. इसी को हम अगर इनडायरेक्ट वे में बोले, ही टेल्स मी दैट ही इज टायर्ड, वो मेरे को बोल रहा है कि वो टायर्ड है, अरे हम थोड़ी टायर्ड है. तो जो ये ही वाला वर्ड स्टार्टिंग में उठा, ये जो इंसान है, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए आई ही में बदला. अगर यहीं पे होता, फॉर एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, ध्यान देना, अगर यहां पे होता आई सेड कॉमा आई एम टायर्ड, तो इसका आंसर क्या होता? आई सेड दैट आई एम टायर्ड. यहां पे आई ही में नहीं बदला. क्यों भैया? क्योंकि स्टार्ट भी तो आई से हुआ था, यहां पे स्टार्ट ही से हुआ, बीच में आई को घुसा दिया गया, ये तो उसका डायलॉग है. जब हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तो वो हम अपने भाषा में बोलेंगे, तो व्हाट आई विल से, ही टेल्स मी दैट ही इज टायर्ड. तो प्रोनाउन बदलता है, ये तो क्लियर हो गया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम फेथफुल, भैया स्टार्ट ही से हो रहा है, तो ये आई किस में बदल गया? ही में बदल गया. अच्छा भैया ये एम वॉज में क्यों बदला? बात होगा उसके बारे में, टेंशन मत लो, वन थिंग एट अ टाइम. पहले हम लोग प्रोनाउन को बदलना सीखते हैं. हम लोग देखेंगे स्टार्ट किस से हो रहा है. ओके, इससे स्टार्ट हो रहा है. मेरा स्टेप्स को देखो, अगर अपने स्टेप को हम लिखें तो पहला स्टेप सी हु सेड इट, जो डायलॉग है वो कौन बोला? ही बोला, तो अंदर में जो प्रोनाउन है उसको भी बदलेंगे. शी बोला तो अंदर वाला प्रोनाउन को बदलेंगे. दे बोला तो अंदर वाला प्रोनाउन बदलाएगा. हमेशा अंदर में कोई प्रोनाउन है उसको इसके इक्वल में रखना है. ये वाला ही शुड बी इक्वल टू यहां पे जो होगा, कब? जब हम लोग इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे. ओके, अच्छा भैया प्रोनाउन बदलने का रूल क्या है? ही को हम लोग बदले, हम लोग समझ गए किस तरीके से बदला रहा है. अगर डायलॉग के अंदर में कोई प्रोनाउन है और स्टार्टिंग में कोई और प्रोनाउन है तो हम लोग उस हिसाब से बदलते हैं. ठीक है, यहां तक हम लोग को क्लियर हुआ. लेकिन अगर इसका एग्जैक्ट हम आपसे रूल पूछे कि यार ये आप एक एग्जाम्पल दिए, ऐसा कोई रूल है? बिल्कुल है. प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज इन इनडायरेक्ट टू द सेम पर्सन एज द नाउन और प्रोनाउन कमिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब. इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट गिवेन
द सेंस ऑफ द प्रोनाउन टू बी यूज शुड बी केयरफुली डिटरमाइंड. क्या बोल रहा है? जो सेकेंड पर्सन ही शी इट ये सब जो होते हैं प्रोनाउंस रिपोर्टेड स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में बदलना पड़ता है. ठीक है, ओके. किस में बदलेंगे? जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब है. भैया ये भाषा नहीं समझ में आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच. हम लोग तो सीए के स्टूडेंट है तो याद रखना, स्टार्टिंग में शी है, अंदर में यू है. ठीक है, शी सेड टू हिम. किसको बोल रही है? एक लड़का को बोल रही है कि तुम इंटेलिजेंट हो. किसको बोल रही है? एक लड़का को बोल रही है कि तुम इंटेलिजेंट हो. तो ये क्या हो जाएगा? शी सेड टू हिम दैट ही इज इंटेलिजेंट. ये कॉमन सेंस है. ठीक है, फिर से सुनो. पहला जो डायरेक्ट स्पीच वाला वर्ड होगा उसको हिंदी में कन्वर्ट करो. एक लड़की एक लड़का को बोल रही है कि तुम इंटेलिजेंट हो, ये डायरेक्ट स्पीच है. तो हम लोग जब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, शी सेड टू हिम, ठीक है, कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास गायब, यू के जगह ही लिखा जाएगा. ये हम समझ गए भैया. ठीक है, अच्छा मानो यहाँ पे ऐसे ही रहता ही सेड, अगर ऐसे ही रहता ही सेड और यहाँ पे कुछ नहीं होता, ये हिम नहीं होता, खाली खाली रहता शी सेड यू आर इंटेलिजेंट, तो दोनों हो सकता था. शी सेड टू मी, शी सेड टू हिम दैट ही वॉज इंटेलिजेंट, या फिर शी सेड दैट शी इज इंटेलिजेंट. उस टाइम ये यू क्या होगा, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है. कब? जब ये हिम ना दिया हो. शी सेड, अरे किसको बोल रही है? लड़का को, लड़की को, आदमी को, जानवर को, किसको बोल रही है कि वो इंटेलिजेंट है? कुत्ता को भी तो बोल सकती है अगर हिम नहीं दिया रहता तो. लेकिन क्योंकि हिम दिया है इसीलिए हम लोग यहाँ पे ही का इस्तेमाल किया. उसी तरीके से ही सेड टू मी, किसको बोल रही है? मेरे को बोल रही है. क्या? यू आर लेट फॉर दिस पार्टी. यहाँ पे यू किसको बन जाएगा? किसको बोल रही है? मेरे को. यू बन गया आई. हमेशा देखो किसको बोल रहे हैं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदले भैया प्रोनाउन का क्या करना है, याद करो किसको बोल रही है, ये देखो. ठीक है, तो जब भी लिख लो यहाँ खाली जगह में या फिर कॉपी में अगर हो सके तो लिखना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, नोट्स वहाँ पे है, नोट्स का टेंशन नहीं है, अपन खाली मेन रूल सीखते हैं. रूल्स फॉर प्रोनाउंस. ठीक है, क्या करना है? आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो ये सवाल, किसको बोला गया, जिसको बोला जाएगा अंदर में प्रोनाउन वही होगा. ठीक है, ये था सेकंड पर्सन के टाइम पे, जब ही हो, शी हो, इट हो. ठीक है, ये कब है? ये जो रूल है ये किस टाइम पे है? ये है सेकंड पर्सन के टाइम पे. अच्छा, अगर इफ थर्ड पर्सन है तो क्या करना है? अगर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रहा हो, दे के बारे में बात हो रहा हो, उन लोगों के बारे में बात हो रहा हो, तो क्या करेंगे? जब भी थर्ड पर्सन हो, दे सेड ही विल कम. ठीक है, जब भी थर्ड पर्सन हो वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज. ठीक है, ओके भैया. अगर सेकंड पर्सन है, हम लोग देखेंगे किसको बोला जा रहा है. अगर हिम को बोला जा रहा है तो अंदर में ही बैठा देंगे, अगर हर को बोला जा रहा है तो अंदर में शी बैठा देंगे. ठीक है, अगर दे है तो एज इट इज कॉपी पेस्ट होगा, कोई टेंशन नहीं. यू सेड दे आर वेटिंग फॉर द बस. यू सेड दैट, कॉमा हटाओ, दैट लगाओ. यू सेड दैट दे वर वेटिंग फॉर द बस. तो हम लोग प्रोनाउन बदलना सीख गए. ठीक है, हम लोग को समझ में आ गया प्रोनाउन का क्या खेला है. अब सवाल उठता है कि भैया यहाँ पे जो आर है ये वर क्यों हुआ, यहाँ पे जो विल है वो वुड क्यों हुआ, ये हम लोग को बताइए. तो उसका रीजन है चेंज इन टेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई राइट अ लेटर, वो बोला हम लेटर लिखते हैं, या फिर हम एक लेटर लिख रहे हैं, हम एक लेटर लिखे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोला, ही सेड आई राइट अ लेटर, हम एक लेटर लिखे. अभी याद रखो ये जो वर्ड है ना, ये डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, कि ये जो है किस में है. ठीक है, ये है पास्ट टेंस, से होता है प्रेजेंट टेंस, सेड होता है पास्ट टेंस, और विल से होता है फ्यूचर टेंस. ये कॉमन बेसिक ग्रामर नॉलेज होना चाहिए तुम लोग को.
तो यहाँ पे ये जो सेड है ये किस में है, पास्ट टेंस में, लेकिन अंदर का जो डायलॉग है आई राइट अ लेटर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में। भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, फटाक से ये वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ, जाकर मेरा वो वीडियो देखो चैनल पे जिसमें ग्रामर का पहला क्लास है, उसके बाद आना तब समझ में आएगा। आई एम वार्निंग यू, नहीं तो डर बैठ जाएगा दिल में और कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओके, सो ही सेड आई राइट अ लेटर, हम लोग इसको इनडायरेक्ट में बदलना, आंसर मत देखना, ऐसी हम लोग कोशिश करते। भैया ये जो कॉमा है ये हट जाएगा, इस कॉमा के जगह आएगा दैट और इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। तो ही सेड दैट, यहाँ तक तो आप सिखा दिए। उसके बाद बाहर में है ही, किसको बोल रहा है नहीं पता, ठीक है? ही सेड आई राइट अ लेटर, चलो यहाँ पे ये खुद के बारे में बात कर रहा है। ही सेड दैट ही, इसके बाद ये आई किस में बदलेगा, ही में। कैसे बदला, ही सेड किसको बोला नहीं पता, किसको बोला नहीं पता, यानी कि वो खुद के लिए बोला होगा। किसको बोला नहीं पता मतलब खुद के लिए बोल रहा होगा। तो ही सेड दैट ही राइट अ गुड लेटर, भैया राइट होगा क्या, नहीं, क्यों, सवाल उठता है क्यों। ही सेड दैट ही रोट अ लेटर, ऐसा रोट राइट रोट में क्यों बदला। देखो यहाँ पे ये सेड क्या था, ऊपर हम लोग बात किए थे, से होता है प्रेजेंट टेंस, सेड होता है पास्ट टेंस और विल से होता है फ्यूचर टेंस। यहाँ पे ये किस में है, ही सेड, ये पास्ट टेंस में। आई राइट अ लेटर और ये पूरा हिस्सा किस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है? सेड है पास्ट टेंस में, आई राइट अ लेटर है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये तो गपला है बाबा। तो जब भी अंदर वाला चीज सिंपल प्रेजेंट में हो उसको किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट में। रूल है याद कर लो, खून में बसा लो, ये गारंटीड आ रहा है 4 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का, मिनिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम 4 से 6 मार्क्स का आएगा ये। तो प्लीज गेट इट इन टू योर हेड, आई एम रिपीटिंग, अगर लिखा है ही सेड तो भैया हम दिमाग लगाएं कि सेड तो पास्ट होता है। अगर लिखा रहता ही सेज आई राइट अ गुड लेटर तो हम लोग लिख सकते थे ही सेज दैट ही राइट अ गुड लेटर, तब हम लोग को बदलने का जरूरत नहीं होता। लेकिन यहाँ पे घपला क्या हुआ, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेड, जो सेकेंड वाला वर्ड है हम लोग का, ये पास्ट में है और अंदर का पूरा मैटर प्रेजेंट में है। तो क्या करें, अंदर का जो डायलॉग है, अंदर का जो मैटर है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो है सिंपल प्रेजेंट में, उसको बदलेंगे सिंपल पास्ट में। जब भी अंदर का मैटर हो प्रेजेंट में, हम लोग किस में बदलेंगे उसको, सिंपल पास्ट में। शी सेड, फिर से सेड क्या होता है, पास्ट टेंस, ठीक है? ही गोज टू स्कूल डेली, भैया ये डेली काम है, ये तो सिंपल प्रेजेंट है। सेड है पास्ट में, अंदर का मैटर है सिंपल प्रेजेंट में, किस में बदलाएगा, सिंपल पास्ट में। ही सेड दैट, गोज टू का पास्ट टेंस क्या होता है, वेंट, गो वेंट विल गो, सॉरी गो वेंट विल गो, सीखे नहीं मिलता है, गूगल पे जाओ यार, सर्च करो और बैठ के पढ़ो ये सब चीज़। अगर ये सब चीज़ के बिना तुम लोग आ रहे हैं CA जैसे कोर्स में तो वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत गलत है। तुम लोग का बेसिक ग्रामर अगर इतना लूज है तो ओके, एक सेकंड ना, ओके तो भैया हम यहाँ तक समझे कि अगर अंदर वाला मैटर जो है वो है प्रेजेंट में और बाहर दे सेड, वो लोग बोला था, इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें ये वाले सेंटेंस को, थर्ड वाले सेंटेंस को, दे सेड वी लव आवर कंट्री, उन्होंने कहा था वी लव आवर कंट्री, कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो ये पहले बोला था, अभी बोल तो नहीं रहा है, तो इसको क्या करेंगे, दे सेड दैट वी लव आवर कंट्री, यानी कि अब वो लोग नहीं, या फिर वो लोग उस टाइम बोले थे तो हमको उसका वक्त का जिक्र करना है। तो दे सेड दैट, दे लव का क्या होगा, लव में ईडी जुड़ जाएगा, दे लव्ड देयर कंट्री। अगेन अगर ये कैसे हो रहा है नहीं पता, जस्ट गो, आई हैव गिवन यू अ लिंक टू एन ऐप इन योर व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में भी है, जाओ ले ऐप डाउनलोड करो, उस पर मेहनत करो, ठीक है? अगेन ही सेड, ही सेड वो बोले, उन्होंने कहा था, ही डज नॉट लाइक हिज कंप्यूटर, उसको उसका कंप्यूटर नहीं पसंद, ठीक है? ही सेड दैट ही डज नॉट किस में बदलेगा, डिड में, ठीक है? लव किस में बदला, लव्ड में, गोज किस में बदला, वेंट में, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्या होता है, फिर से इंग्लिश ग्रामर 1 का वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा, बार बार ये वार्निंग दे रहे हैं, फंसो मत, ठीक है? थोड़ा देर, 1 घंटा इन्वेस्ट करो अपना, ओके? ही सेड ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक,
अगेन यहाँ पे सेड और यहाँ पे आई एन जी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी भी सुन रहा है अगला गाना, तो ही सेड दैट जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो उसको किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। यानी कि क्या जोड़ देंगे, अगर सिंगल सिंगुलर बात हो रहा है, अगर सिंगुलर हो तो वॉज जोड़ देंगे, और अगर प्लूरल हो एक से ज़्यादा जन का बात हो रहा हो तो वर जोड़ देंगे। ही सेड ही इज लिसनिंग टू द म्यूजिक, एक ही जन का बात हो रहा है भैया, तो ही सेड दैट, कॉमा हटा, इन्वर्टेड कॉमास हटा, नया आया क्या, दैट ही वॉज लिसनिंग टू द म्यूजिक, दैट सेट, कितना सिंपल। शी सेड दैट, यहाँ पे डायरेक्ट में पहले, शी सेड आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, सबसे पहले शी सेड, ये पास्ट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भैया बोले थे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, ओके okay. अभी यहाँ पे ये आई है, ये किस में कन्वर्ट होगा, शी सेड किसको बोली नहीं पता, तो इसको मान लेंगे ये इस अपने अपने बारे में बात कर रही है, तो शी सेड दैट शी वॉज वॉशिंग हर क्लोथ, वॉशिंग के आगे वॉज लग गया। उसी तरीके से दे सेड, कॉमा हटाओ, ये हटाओ, बीच में लगा दो दैट, दे सेड दैट, अच्छा यहाँ पे वी है लेकिन यहाँ पे क्या है, दे, किसके बारे में बात हो रहा है नहीं पता, ये दे दे बैठा देंगे, दे सेड दैट दे, अच्छा यहाँ पे प्लूरल है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, तो वास की जगह क्या बैठ गया, वर, वर इंजॉइंग द वेदर, दे मतलब एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोग होते हैं। शी सेड आई एम नॉट लाफिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, किसको बोली नहीं पता, लेकिन अगर कुछ नहीं पता तो ये आई क्या में बदलेगा, शी में, तो शी सेड, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमास हटाओ, दैट बैठाओ, शी सेड दैट शी एम नहीं, शी वॉज नॉट लाफिंग, अगेन सिंगुलर है, एक लड़की का बात हो रहा है इसलिए वॉज बैठ गया, सो सिंपल। अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट हो तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी कि एक नया वर्ड लगेगा, हैड, ठीक है, शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे वो किसी लड़का को बोल रही है तो हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, बता दिया, मतलब अगर इसको हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, शी सेड टू हिम, और फिर इन्वर्टेड कॉमास में जो है वही, तो उसका टेंशन नहीं है, हम लोग याद रखते हैं, शी सेड, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमास हटाओ और दैट लगाओ, शी सेड दैट ही हैज़ किस में बदल जाएगा, हैड में, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, अगर हैज़ है मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में बदलाएगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलाएगा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट, हर चीज़ का पास्ट हो जा रहा है। ही सेड, अच्छा कब हो रहा है पास्ट, जब यहाँ पे सेड हो, यहाँ पे टोल्ड हो, यहाँ पे कोई पास्ट टेंस का जिक्र हो तभी, अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, ठीक है, ओके। तो ही सेड आई हैव स्टार्टेड अ जॉब, ही सेड दैट ही हैव क्या में बदला, हैड स्टार्टेड अ जॉब, अगेन आई सेड शी हैव ईटन द मील, कॉमा हटाओ, इन्वर्टेड कॉमास हटाओ, आई सेड दैट शी हैव किस में बदला, हैड में, शी हैड ईटन द मील, सिंपल है, बच्चा वाला बात है, फ्री का मार्क्स है, अगर नहीं उठा पाए तो वेरी बैड। एक और एग्जांपल, दे सेड वी हैव नॉट गॉन टू न्यूयॉर्क, ठीक है, तो ये वी किस में बदलेगा, दे में, दे सेड दैट दे, देखो ये वी था, यहाँ पे जाके क्या हुआ, दे, दे सेड दैट दे हैड नॉट गॉन टू न्यूयॉर्क, यहाँ पे हैव था, हैव किस में बदला, हैड में, सो सिंपल। यही अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो, ही सेड आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, मतलब 3 बजे से अभी तक हम पढ़ रहे हैं, तो ही सेड दैट आई किस में बदलेगा, ही में, ही सेड दैट ही हैड बीन, हैव बीन किस में बदला, हैड बीन स्टडिंग सिंस 3 o'clock, सिंपल, ठीक है, ओके। उसी तरीके से शी सेड इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 3 days, हैज बदल जाएगा, हैड में, दैट्स इट। आई सेड शी हैज़ बीन वर्किंग इन द ऑफिस, सिर्फ यही बदला, आई सेड दैट शी हैड बीन वर्किंग इन द ऑफिस, सो सिंपल, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी भैया मानिए यहां पे पास्ट में दिया, आप बोले हम समझे, अगर अंदर वाला मैटर भी पास्ट में हुआ तो ऊपर में चार चीज पढ़े, चारों प्रेजेंट में था, प्रेजेंट वालों को पास्ट में बदलें, क्लियर, इजी है। अगर बाहर भी पास्ट अंदर भी पास्ट तो क्या करेंगे, ध्यान रखना, अगर अंदर का मैटर है सिंपल पास्ट टेंस में तो हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट जब भी हो क्या लगेगा, हैड, पास्ट परफेक्ट हो तो क्या लग जाएगा, हैड, यानी कि
ही सेड टू मी यू आंसर्ड करेक्टली, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी दैट यू, किसको बोल रहा है, मेरे को बोल रहा है। अगर नहीं पता होता किसको बोल रहा है तो ही बैठाते, अगर पता है तो पता है कि मेरे को बोल रहा है तो क्या बैठाएंगे, मी के जगह आई, ही सेड टू मी दैट आई, यू के जगह आई बैठा, क्या बैठा आई, क्यों मेरे को बोल रहा है ना, तो ही सेड टू मी दैट आई हैड आंसर्ड करेक्टली। जॉन सेड दे वेंट टू सिनेमा, क्या हो जाएगा, जॉन सेड दैट दे हैड गॉन टू सिनेमा, वेंट किस में बदला, गॉन में, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट जब होता है ना तो वेंट भी बदल जाएगा गॉन में। आई सेड आई मेड अ टेबल, ही सेड दैट ही हैड मेड अ टेबल, सिंपल। शी सेड आई डिडंट बाय अ कार, शी सेड दैट शी हैड नॉट बॉट अ कार, अगेन बाई बॉट में क्यों बदला, ये बहुत बेसिक चीज़ है, इसको समझने के लिए गूगल पे जाओ, सर्च करो कि परफेक्ट जो होता है उसका फॉर्म क्या है, लिखो फॉर्म ऑफ वर्ब्स, आ जाएंगे एग्जाम्पल्स, वहाँ से याद करो, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है, अब बैठ के याद करने का वक्त है नहीं, फिर भी करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो किस में बदलेगा, सिंपल, पास्ट किस में बदला था, पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे बोले तो वी वर, पुराना बात हो रहा है, दे सेड, दोनों चीज़ पास्ट में है लेकिन यहाँ पे आईएनजी लग गया, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस, पास्ट, वर है मतलब पास्ट और आईएनजी है मतलब कंटिन्यूअस। वी वर इंजॉइंग द वेदर, तो इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट करना है, दे सेड दैट, वी है, वी किस में बदलेगा बताओ तुम लोग अपने से, भैया वी बदल जाएगा दे में, दे सेड दैट दे हैड बीन इंजॉइंग द वेदर, ही सेड टू मी, यहाँ पे देखो इस दोनों में अंतर समझने का कोशिश करो, इस दोनों में तुम लोग अंतर समझो तब तुम लोगों को क्लियर होगा एग्जाम में क्या करना है। दे सेड, उसके बाद कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे ही सेड टू मी बता दिया है किसको बोल रहा है, अगर नहीं बताता किसको बोल रहा है तब ये वाला रूल रखता है कि अंदर का जो प्रोनाउन है उसको पहला वाला के हिसाब से बैठा दो, अगर बता दिया कि मेरे को बोल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ही सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ही सेड टू मी दैट ही वॉज ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, उसी तरीके से आई सेड इट वॉज रेनिंग, आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग, जब भी पास्ट कंटिन्यूअस में हो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, और पास्ट परफेक्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहेगा। शी सेड शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर, शी सेड दैट शी हैड विजिटेड अ डॉक्टर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या देखें भैया, सबसे पहले हम लोग देखें प्रोनाउन कैसे बदलता है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि टेंस कौन सा है, अगर प्रेजेंट में है तो उसको पास्ट में बदलो, अगर पास्ट में है तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदलो, अगर परफेक्ट है तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन फ्यूचर का तो बात नहीं हुआ, फ्यूचर में विल हमेशा वुड में बदलेगा, दैट्स इट, ही सेड आई विल स्टडी द बुक, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, सिंपल। शी सेड आई विल बाय अ कंप्यूटर, विल किस में बदला, वुड में, ही सेड दैट शी वुड बाय अ कंप्यूटर। फिर वी विल सेंड गिफ्ट फॉर यू, अच्छा यहाँ पे वी किस में बदलेगा, दे सेड टू मी, मेरे को बोल रहा है कि वो लोग गिफ्ट भेजेंगे, दे सेड टू मी कि वो लोग गिफ्ट भेजेंगे, तो दे सेड टू मी दैट दे वुड सेंड मी गिफ्ट्स, विल बदला वुड में, उसी तरीके से विल भी बदलेगा वुड वी में। आई सेड टू हिम आई विल बी वेटिंग फॉर हिम, तो ये क्या होगा, आई सेड टू हिम दैट आई वुड बी वेटिंग फॉर हिम, विल भी बदलेगा वुड बी में, उसी तरीके से विल हैव बदलेगा वुड हैव में, कैन बदलता है कुड में, विल बदलता है वुड में, कैन बदलता है कुड में, दैट्स इट। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच मे नॉट चेंज इफ रिपोर्टेड स्पीच इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर कोई ऐसा बात बोल रहा है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अरे मैथ साइंस का हिस्सा है, ठीक है, जब तुम लोग साइंस लेता है तुम लोग को मैथ्स लेना पड़ता है, तो क्या बोले, ही सेड मैथमेटिक्स इज अ साइंस, ही सेड दैट, भैया यहाँ तो सेड पास्ट में है, अंदर में प्रेजेंट है, मतलब ये जो प्रेजेंट है इसको हम लोग पास्ट में बदलेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल दैट यू सेड, बिल्कुल नहीं। ही सेड ये क्या है, ये मैटर जो है भैया यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये ऐसा सच्चाई है जो पूरे जग में चल रहा है, तो ये एज इट इज प्रेजेंट में ही कॉपी हो जाएगा। उसी तरीके से सन राइजेज इन ईस्ट, भाई आज पूरब से उग रहा है, कल पश्चिम से उगेगा, नहीं ये हमेशा पूरब से ही उगेगा, तो ही सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एज इट इज प्रेजेंट टेंस में, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी पास्ट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता,
कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर क्वेश्चन में है नाउ तो जब डायरेक्ट में होगा तो होगा नाउ, इनडायरेक्ट में वो हो जाएगा देन, डायरेक्ट में होगा हेयर, इनडायरेक्ट में हो जाएगा देयर, डायरेक्ट में होगा अगो, इनडायरेक्ट में हो जाएगा बिफोर, डायरेक्ट में होगा दस, इनडायरेक्ट में हो जाएगा सो। बुक में और भी एग्जाम्पल्स है, वी विल सी टू देम। ठीक है, टुडे किस में बदलेगा, दैट डे, टुमारो किस में, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, दिस दैट दीज दोज हेंस थेंस हिदर तीदर, ये सब वर्ड बदल रहा है। अगर डायरेक्ट में है तो पहला वाला यूज होगा और इनडायरेक्ट में तो दूसरा वाला, याद करना है बैठ के। ठीक है, फ्री का मार्क्स नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है, टाइम है, मेहनत करो। ओके, अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का बात किए, उसमें एक सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि कोई स्टेटमेंट, कोई दावा हो तो उसका बात हो रहा है। हमेशा याद रखना कि उस टाइम हम लोग कुछ नया वर्ड का यूज़ करेंगे। ये जो अब अभी हम लोग बेसिक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सीख गए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लेवल बढ़ा रहे हैं। जैसे जिम में कैसे लेवल बढ़ाते हैं तो बॉडी बनता है, उसी तरीके से इसका हम लोग को लेवल बढ़ाना होगा ताकि हम लोग का क्वालिटी बेटर हो। अभी जमीला सेड ब्रदर आई एम गोइंग, इसको बदलो तुम लोग, जमीला सेड दैट, अगर ये जमीला लड़की है तो शी वॉज गोइंग, यहाँ पे क्या था, आई एम गोइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, शी वॉज गोइंग, सिंपल। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, अब हम लोग फीलिंग में आ रहे हैं लाइन का, पहले लाइन हम लोग अभी मैकेनिक हम लोग सीख गए कैसे होता है, अभी हम तुम लोगों को देंगे ना, तुम लोग मेरा वीडियो दो बार देखेगा, तीसरा बार में तुम लोग सारा बना देगा। लेकिन हम लोग अब ये जो वर्ड है ना सेड, ये एज इट इज़ कॉपी नहीं करेंगे, अरे बच्चे थोड़ी हैं, कुछ बेटर लिखने का कोशिश करते हैं। ये देखेंगे कि अंदर वाला मैटर क्या है, ब्रदर आई एम गोइंग, मेरे को बताया जा रहा है, मेरे को इन्फॉर्म किया जा रहा है, तो हम लोग लिख देंगे जमीला टोल्ड हर, या फिर इसी की जगह लिख देंगे इन्फॉर्म्ड हर ब्रदर दैट शी वॉज गोइंग, अपने भाई को बोली कि यार वो जा रही है। अगर इन्फॉर्म हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है कि बतला रहा है कि कोई चीज़ का रिप्लाई कर रहा है, जवाब दे रहा है, रिमाइंड कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, रिमार्क कर रहा है, अश्योर कर रहा है, क्या कर रहा है वो समझो, उसके बाद वहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन सेड टू हिज ग्रैनी, आई हैव नेवर सीन फियर एनी वेयर हेयर, तो नेल्सन क्या कर रहा है, बतला रहा है अपनी मम्मी ग्रैनी को, तो हम लोग लिख सकते हैं नेल्सन टोल्ड हिज ग्रैनी दैट, अच्छा हैव किस में बदल जाएगा, हैड में, हैड नेवर सीन फियर एनी वेयर हेयर। ठीक है, ओके। अब इंपेरेटिव हो, यानी कि कोई कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, ऑर्डर है, सजेशन है, तो उसका क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग लिखेंगे कि वो क्या है, यार हम फीलिंग पकड़ने बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही सेड मंजूर सिट स्टिल, इसको देख के लग रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं ही टोल्ड मंजूर टू सिट स्टिल, या फिर ही ऑर्डर्ड मंजूर टू सिट स्टिल, फॉरगिव द बॉय हिज फर्स्ट मिस्टेक, सेड द मदर टू हिज हस्बैंड, एडवाइस दे रही है, समझ में आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, द मदर एडवाइज या फिर इम्प्लोर्ड हर हस्बैंड टू फॉरगिव द बॉय फॉर हिज फर्स्ट मिस्टेक, द जेंटलमैन सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट स्टे हेयर, ऑर्डर दे रहा है, द जेंटलमैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट नॉट टू स्टे हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एकदम बेसिक चीज़ें, अब हम लोग बैठ के प्रैक्टिस करते हैं साथ में, तुम लोग मेरे साथ साथ करते जाएगा। ठीक है, देखो अभी इस हिस्सा में तुम लोग साथ चलेगा ना, चार मार्क्स जेब में हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, गारंटीड चार मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आई एम गिविंग यू 110% गारंटी। ठीक है, ओके, सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, क्या करना है इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, वो मेरे को बोला मेरी मदद करो, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है, एक लाइन को, पहला लाइन को तीन से चार बार पढ़ना है ताकि वो दिमाग में बैठे। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग फीलिंग पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे, फीलिंग, प्लीज हेल्प मी, यार ये तो मदद का गुहार लगा रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट, तो लिखते हैं ही रिक्वेस्टेड मी, या फिर
ही रिक्वेस्टेड तक रुकते हैं, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड। आगे यहां है सेड, यहां है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट बदलेगा पास्ट में, लेकिन ये कोई नॉर्मल बात हो रहा है। तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, दैट्स इट। समझो बात को, पहले क्या देखें कि क्या है। अच्छा, वो मदद मांग रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ही रिक्वेस्टेड किससे, मेरे से, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, ये टू हटा दिए, इसके जगह लिखे ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है, सिंपल, ओके। आगे शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम्स। सबसे पहले फिर से पढ़ो इस लाइन को 3 से 4 बार। शी सेड टू हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। अभी यहाँ पे सेड और यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, शुड में है, चलो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तुमको एग्जाम के लिए और मेहनत करना चाहिए, ओके। हम लोग यहाँ पे क्या दे रही है, एडवाइस, तो शी एडवाइज्ड हिम, टू हटा दिए, टू फिर से हटा दिए, इनडायरेक्ट में बदलते टाइम, शी एडवाइज्ड हिम यू शुड वर्क हार्ड फॉर एग्जाम। यू शुड वर्क हार्ड की जगह क्या लिख सकते हैं, शी एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, हार्ड फॉर एग्जाम, ठीक है। क्या किए फिर से समझो, देखे क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर क्या कर रहा है भाई, दावा दे रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, एडवाइस हो रहा है, तो शी एडवाइज हिम टू वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, ठीक है। अच्छा भैया, इसमें ऐसे क्यों नहीं किए कि शी एडवाइज हिम दैट ही शुड वर्क फॉर एग्जाम। सेम है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम बातें, सही बातें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दे सेड टू हिम डू नॉट टेल अ लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया चलिए हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, दे टोल्ड, टू हट जाएगा, दे टोल्ड हिम दैट, यहाँ पे हम दैट लगाना चाहते हैं, पहला दो में दैट लगाए बिना काम चला दिए, लेकिन हम यहाँ दैट लगाना चाहते हैं, यहाँ पे हमको एग्जाम के हिसाब से समझना है। दे टोल्ड हिम दैट ही डू नॉट टेल अ लाई, डू नॉट टेल अ लाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये है नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, तो दे टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है, ओके। ही सेड ओपन द डोर, भैया ऑर्डर दे रहा है, ही ऑर्डर्ड या फिर रिक्वेस्टेड, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या दे रहा है, सबसे सेफ क्या होता पता है, ही या तो कॉपी कर दो या फिर ही टोल्ड टू ओपन द डोर, ये हम बिना द दैट लगाए काम चला रहे, तुम चाहो तो लिख सकते हो ही टोल्ड दैट, ही टोल्ड मी दैट आई शुड ओपन द डोर, चाहो तो दैट लगा सकते हो, नहीं तो रुक भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट डू नॉट वेस्ट टाइम, द टीचर एडवाइस्ड The students, that नहीं लगा रहे, क्या बोलेंगे, not to waste time, that नहीं लगा रहे। जब भी हम लोग said को किसी और form में लिख रहे हैं, that मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। He said, please give me a glass of water, request कर रहा है, He requested to give, me किस में बदलेगा, him, to give him अ ग्लास ऑफ वाटर। मी हिम में क्यों बदला, क्योंकि भैया ऊपर वाला सेंटेंस को हिंदी में बोलिए, ही सेड मेरे को थोड़ा पानी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वो रिक्वेस्ट किया था कि उसको थोड़ा पानी चाहिए, ये हिम का मतलब है उसको। डॉक्टर सेड टू मी डू नॉट स्मोक, डॉक्टर वॉर्न्ड बोल सकते हैं, वॉर्न्ड वार्निंग दिया या फिर एडवाइस दिया, डॉक्टर वॉर्न्ड मी नॉट टू स्मोक। देखो यहाँ पे हम अगर यही चाहते हो तो लिख सकते थे, डॉक्टर सेट मी दैट आई शुड नॉट स्मोक, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाता, जब भी हम सेट को बदलेंगे तो हम लोग को इजी लगेगा सेंटेंस। द टीचर सेट टू हिम गेट आउट, ऑर्डर दे रही है, तो द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू गेट आउट, समझ में आ रहा है,
जब भी कोई सेंटेंस इंपरेटिव हो सेट को बदलना होगा, जब सेट को बदलेंगे तो दैट नहीं लगाएंगे, दैट लगाना अवॉइड करेंगे। अभी अगर सवाल वाला सेंटेंस है इंटरोगेटिव, ठीक है, जब भी कोई इंटरोगेटिव है मतलब उसमें क्वेश्चन मार्क है, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क है तो दैट यूज़ कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर उसमें क्वेश्चन मार्क है तो दैट यूज़ कभी नहीं होगा। ओके जैसे कि आई सेड टू हिम हु आर यू, तो आई यहां पे सवाल पूछ रहा है तो कुछ वर्ड सीख लो तुम लोग, जब भी क्वेश्चन मार्क हो समझो क्या हो रहा है और वो वर्ड लगा लो। ही सेड टू मी, इंक्वायरी कर रहा है, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम हु ही वॉज, ठीक है, या फिर आई आस्क्ड हिम हु ही वॉज, दैट नहीं लगा। नॉर्मली सेड बदला कोई एक अच्छा वर्ड में, वर्ड हम लोग इंक्वायर्ड बोल सकते हैं, हम लोग आस्क बोल सकते हैं। याद रखना है ये कॉपी, इसको ना इसको प्रिंट आउट निकालना है या फिर कॉपी में लिखना है बैठ के, और याद रखना है कि सेट किस में बदल रहा है, इंटरोगेटिव में, इंक्वायर्ड में या फिर आस्क्ड में, इस चीज़ को याद रखना है। अजमल सेड टू मी व्हाई डू यू नॉट गो होम, सिंपल दैट नहीं लगेगा भैया, क्यों सवाल है, अगर सवाल हो या फिर कोई इंपरेटिव सेंटेंस हो दैट नहीं लगाएंगे। तो लिखेंगे अजमल आस्क्ड मी, अजमल सेड टू मी किस में बदला, आस्क्ड, अजमल आस्क्ड मी, टू नहीं लगेगा, इंपरेटिव हो और इंटरोगेटिव हो, कोई ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस सवाल कुछ भी हो, टू नहीं लगेगा, दैट नहीं लगेगा, ठीक है, टू बाद में लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो अजमल आस्क्ड मी व्हाई डू यू, मेरे से पूछ रहा था ना, व्हाई डू यू किस में बदला, व्हाई आई डू किस में बदला, डिड में, व्हाई आई डिड नॉट गो होम, अगेन अंदर में क्या है भैया, सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो सवाल का टेंस क्या है, व्हाई डू यू नॉट गो होम, भैया सिंपल टेंस, पास्ट में बदल दो, व्हाई आई डिड नॉट गो होम, सिंपल। अगला वाला, मास्टर सेड टू द सर्वेंट वेयर डू यू कम फ्रॉम, इंक्वायरी कर रहा है, तो द मास्टर इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट वेर ही कम किस में बदला, पास्ट में, केम फ्रॉम, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अगर क्वेश्चन बिगिन हो रहा है इज या फिर आर या फिर एम वॉज डू डिड कैन मे विल शैल हैज हैव ये सब चीज से, तो आंसर में इफ और वेदर ये दो वर्ड का इस्तेमाल होता है। द टीचर सेड टू द बॉय हैव यू डन योर होमवर्क, द टीचर आस्क्ड द बॉय वेदर ही हैड डन हिज होमवर्क, हैव यू डन योर होमवर्क किस में बदला, हैव बदल गया हैड में, वेदर ही हैड डन हिज होमवर्क। मिस्टर जोन्स सेड इज मिस्टर स्मिथ एट होम, मिस्टर जोन्स इंक्वायर्ड इफ मिस्टर स्मिथ वॉज एट होम, कब इफ लगाना है कब वेदर, ये तुम्हारे समझ के ऊपर है। द मदर सेड टू द यंग गर्ल डू यू नो वेयर सलीम इज, द मदर आस्क द यंग गर्ल वेदर या फिर इफ शी न्यू वेयर सलीम इज, नो किस में बदला, न्यू में, सिंपल, ठीक है, ओके। और अगर एक्सक्लेमेटरी है यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, याद रखना इनडायरेक्ट में कभी भी एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता है, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग देखेंगे कि इसका फील क्या है, हुर्रे वी वन द मैच, बड़ा खुश है, एक्साइटेड है, तो हम लोग लिख देंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कब, जब हैप्पी हो या फिर एक्साइटेड हो, ये सब एग्जाम में लिखना है, ठीक है। अगर दुख है, अलास आई फेल्ड द टेस्ट, अलास ही डाइड, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, जब सैड हो, जब सरप्राइज्ड हो, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, ये सब वर्ड लगता है। He said, "Hurrah! I won the prize." खुश है। He exclaimed with joy that he had won the prize. Exclamatory में that लगा सकते हैं। That दो में नहीं लगेगा, interrogative और imperative. Interrogative यानी कि सवाल, imperative यानी कि कोई order हो, request हो या फिर advice हो। Simple? Okay. अभी जब जो भी word है, hurrah, wow, oh, bravo, hush, alas, hurrah, सब use नहीं होगा। ठीक है? हाँ। विश वर्ड यूज कर सकते हैं, डिक्लेयर, क्राई आउट, एक्सक्लेम, प्रे, कॉन्फ्रेस, कॉन्फर्स, ब्लेस, ये सब यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम जो दो वर्ड बताएं वो सबसे सिंपल है, यूज करते जाना, मजा आएगा। अगर डर है तो लिख दो ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर, विथ सोरो, अगर दुख है तो, अगर रिग्रेट है तो विथ रिग्रेट, अगर खुशी है तो जॉय या फिर डिलाइट, ही एक्सक्लेम्ड विथ, और लिख दो ये वर्ड,
मस्त आंसर बन जाएगा। ठीक है, अभी आ जाओ अपने बुक में, बुक में आओ, वो नोट्स इनफ है, बुक में और भी ज्ञान है। ठीक है, उस ज्ञान को चाहो तो तुम पढ़ सकते हो, नहीं चाहो नहीं भी पढ़ोगे, तुम लोग प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, बस हम स्टार मार्क करा रहे हैं, पढ़ लेना, फ़ायदा तुम ही लोग का। पेज नंबर 2.17, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वही चीज़ हम लोग देख लेना एक बार, बस हम पढ़ा चुके हैं, हम मेरे पीडीएफ में सब कुछ है, देख लेना। उसके बाद पेज नंबर 2.18 में ये जो वर्ड चेंज हो रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आएगा। ठीक है, मॉडल्स बदलना है, आएगा। कैन बदलेगा कुड में, शैल बदलेगा शुड में बदलेगा माइट में। ठीक है, मस्ट बदलेगा हैड टू में, ये सब चीज़ को याद रखना है। और अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलना है तो उसका रूल्स है पेज नंबर 2.21 में, ये सब रेफरेंस के लिए, सब पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलो बनाते हैं। ठीक है, 10 सेंटेंस है, फटाफट हर सेंटेंस को देखेंगे, कॉपी में लिखते जाएंगे ताकि हम लोग का प्रैक्टिस हाथों हाथ हो जाए। पहला, तो फर्स्ट सेंटेंस, ही सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। क्या आज हेवन कल हेल हो जाएगा? नहीं भैया, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो भैया ये बदलेगा नहीं, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नहीं बदलेगा। फीलिंग पकड़ ली है, सबसे पहला पार्ट फीलिंग पकड़ ली है। ही सेज, वो बोलता है, पास्ट में नहीं है तो ऐसी भी कोई टेंशन नहीं, लिखो ए। ही सेज दैट कश्मीर इज हेवन ऑन अर्थ। सबसे पहला काम था फीलिंग पकड़ना, फीलिंग पकड़ेगा आंसर आ जाएगा। फिर से आगे, अगला, द शॉपकीपर सेज, यहाँ पे भी सेड नहीं है, चलो ठीक है। प्राइसेज आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, तो भैया अगर ये सेज है तो अंदर हम लोग का अंदर भी प्रेजेंट है, बाहर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कोई लोड नहीं है। अगर यहाँ होता सेड, जैसे कि आगे देखेंगे, तो हम लोग को लोड लेना है। ओके, तो इसमें कर दो बी, द शॉपकीपर सेज दैट प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, लिखो नहीं लिखो चलेगा। ठीक है, ओके, एक सेकंड रुकना। ओके, नंबर सी, नंबर सी, शी सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ आया मज़ा, ये है पास्ट, शी सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, कब का बात हो रहा है? फ्यूचर का। कैन किस में बदलेगा? कुड में। फीलिंग पकड़ो, शी सेड नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं शी चैलेंज दैट नोबडी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। अगर टेंशन नहीं लेना तो नॉर्मली लिख दो। ठीक है, एक सेकेंड, नॉर्मली लिख दो, शी सेड दैट नोबडी, कैन की जगह क्या होगा, नोबडी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, डी में एंथनी सेड मार्टिन हैज गॉन होम, यहाँ पे सेड हुआ, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे सेड हुआ मार्टिन हैज गॉन होम, अगर हैज गॉन है तो क्या हो जाएगा, वो हैड गॉन, तो लिखेंगे पॉइंट नंबर डी, एंटनी सेड दैट मार्टिन हैड गॉन होम। ठीक है, एक और करते हैं, फिर होमवर्क देंगे तुम लोग को। पॉइंट नंबर ई, शी सेड आई शैल बी टेकिंग अ टेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली लिखो, शी सेड दैट शी क्या है, शैल बी, तो
शी शैल भी बदल जाएगा शुड बी या फिर वुड बी में, ठीक है? तो शी सेड दैट शी वुड बी टेकिंग अ टेस्ट. उसी तरीके से एफ द मैन सेड इज योर फादर एट होम, सवाल पूछ रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, आस्क कर रहा है. द मैन आस्क्ड मी, दैट नहीं लगा सकते हैं, इंटरोगेटिव है. द मैन आस्क्ड मी क्या लगेगा उसके बाद? दो वर्ड, इंटरोगेटिव में दो वर्ड आता है, इफ या फिर वेदर. तो द मैन आस्क्ड मी वेदर माई फादर वॉज एट होम. उसी तरीके से डी, द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर. यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, कुछ पूछा जा रहा है तो बोल देंगे. द क्लर्क आस्क्ड हिज मैनेजर इफ ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन. सर्वर लगाना है? नहीं है. उसके बाद शी सेड विल यू टेल मी वॉट इट मीन्स डेविड, तो इंक्वायरी कर रही है. शी इंक्वायर्ड ऑफ डेविड, किससे कर रही है? डेविड से. तो शी इंक्वायर्ड ऑफ डेविड इफ डेविड ऑफ ही वुड टेल हर वॉट इट मेंट, ठीक है? शी सेड टू मी हैव यू डन दिस सम, सवाल पूछ रही है. शी आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन द सम. द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर हु आर यू, द पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर हु ही वॉज. सिंपल ईजी. अभी इतना काफ़ी नहीं है, अगर ये 10 करके जा रहे तो कुछ नहीं है. तुम लोग को हम PDF दे रहे हैं नीचे टू सॉल्व एक्स्ट्रा सम्स. बैठो, उनको सॉल्व करो. जो डाउट है मेरे से पूछो, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ठीक है, नहीं है तब भी पूछो, नो प्रॉब्लम, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. बट मेक श्योर ये 4 मार्क्स तुम लोग का हो, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच.